हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं एसएससी जीडी का कट ऑफ बताने वाला हूँ। यहाँ पर सीपीयू एसआई का जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, वैसे ही यहाँ पर एसएससी जीडी का नॉर्मलाइजेशन होगा। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। 10 राज्यों की जो कट ऑफ है बहुत ही कम जाने वाली है। ठीक, अगर इन राज्यों से हैं तो आप खुशियाँ मनाओ, अब तो ज़रूर होगा नॉर्मलाइजेशन। इसका मैं रीज़न बताऊंगा, इसका एनालिसिस करूंगा और एसएससी जीडी में नौकरी पक्की है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। वैसे तो मैं सभी राज्यों का यहाँ पर कटाप बताऊंगा, फीमेल का, मेल का, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लें और बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो तुरंत आपके तक पहुंचते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं रीजन वाइज कट ऑफ लेकर आया हूँ। ये स्टेट है, ये मेल की कट ऑफ है, फीमेल की। यहाँ कैटेगरी वाइज इसलिए कट ऑफ नहीं हमने रखी है क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 नंबर का फ़र्क रहता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कट ऑफ नहीं रखी है। और फीमेल की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर फीमेल की कट ऑफ देख सकते हैं 35 पे। यहाँ पर इतने स्टेट से हैं, इन स्टेट से फीमेल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कर्नाटक है देख सकते हैं, यहाँ पर कर्नाटक और केरला, यहाँ पर वैकेंसी इतनी है 1689 और केरला की है 1189। टोटल वैकेंसी 2868 है और 27815 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। कंपटीशन यहाँ पर 3 का दिया हुआ है, ठीक है। और कट ऑफ यहाँ पर मेल की देख सकते हैं 40-35, अगर इन स्टेट से हैं फिजिकल जरूर स्टार्ट कर दें, ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पर बिहार उत्तर प्रदेश की। मैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं 6968 वैकेंसी है बिहार की, 6651 यूपी की है, 13619 हैं। यहाँ पर 876774 यहाँ पर बहुत फॉर्म पड़े हुए हैं, कंपटीशन 7 का है, ठीक है। जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन की बात है। और आपको यहाँ पर फीमेल, अगर आप इस जगह से हैं तो आपको 50 कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। और आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ नॉर्मलाइजेशन हुआ है सीपीयू एसआई में नॉर्मलाइजेशन हुआ है, 6 नंबर से लेकर 20 नंबर तक हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर एसएससी जीडी का भी हुआ है, होने वाला है, जबकि सीपीयू का एग्ज़ाम 4 दिन चला था। यहाँ पर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 18 दिन चला, तो यहाँ पर 12 शिफ्ट हुई थी, यहाँ पर एसएससी जीडी में 54 शिफ्ट हुई थी। तो नॉर्मलाइजेशन ज़रूर होगा, तो नॉर्मलाइजेशन भी काफ़ी अच्छा खासा होगा, ठीक है। यहाँ पर सीपीयू एसआई में लोगों के, जिनके कम नंबर हैं आए हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन अच्छा हुआ, 20 नंबर तक मिले हैं। जिनके नंबर ज़्यादा हैं तो उनका 5 से 6 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करता हूँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड की और सिक्किम की। तो यहाँ पर सिक्किम का भी 40 यहाँ ऐड कर दीजिए। यहाँ पर फीमेल आप हैं 35-45 नंबर हैं। टोटल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप 40 से 45 नंबर हैं, आपके फ़ीमेल हैं कोई भी स्टेट से, तो पिछकर ज़रूर करें, ठीक है। वेस्ट बंगाल का 4619 वैकेंसी है, ठीक है, और 2605 उड़ीसा की है, झारखंड की 3155 है, सिक्किम की 160 है। टोटल वैकेंसी 10537 वैकेंसी है। टोटल फॉर्म 4 लाख अप्लाई हुए, कंपटीशन यहाँ पर 4 का है, ज़्यादा नहीं है, लो कंपटीशन है, ठीक है। अगर स्टेट से फिजिकल जरूर करें। 46 वेस्ट बंगाल का कटाप जाएगा, उड़ीसा का 40 और 60 झारखंड का। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जो है उनका यहाँ पर 2 से 3 नंबर आप कम कर लीजिए, ठीक है। अब बात करता हूँ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा की। तो यहाँ पर वैकेंसी आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ आपका 5283 है, 252444 फॉर्म अप्लाई किए, तो 5 ही कंपटीशन है, ठीक है। तो कट ऑफ यहाँ पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र की 50 है, गुजरात की 42 है, गोवा की 35 है, ठीक है। गर्ल्स हैं तो 35 हैं, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, तमिलनाडु की है कट ऑफ यहाँ पर 43 मेल, 45 पुडुचेरी, 35 तमिलनाडु। गर्ल्स हैं इतनी हैं, कंपटीशन यहाँ पर 4 का फॉर्म अपना देख सकते हैं, वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा यहाँ पर है, मैं आपको बता रहा हूँ जो स्टेट की कट ऑफ जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं 10 राज्यों की कट ऑफ थी, मैं आपको बता रहा हूँ सबसे कम कट ऑफ वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं आसाम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इतनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 2900 वैकेंसी है, 1,08,000 फॉर्म, 4 का कंपटीशन, ज़्यादा नहीं है, कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। अगर इन स्टेट से इतने नंबर हैं फिजिकल करें और गर्ल्स इतना है। और दोस्तों, एक और डाउट हो रहा होगा,
दोस्तों जिनके नंबर कम है कि नॉमिनेशन होगा कि नहीं होगा। नॉमिनेशन होगा, आपका पेपर अगर शिफ्ट टफ है तो होगा, लगभग अगर टफ होगा तो 20 नंबर तक आप बढ़ने वाले हैं। जैसे आपके 60 नंबर हैं तो प्लस 20 हो जाएंगे तो 80 हो जाएंगे, ठीक है, तो फ़ायदा होने वाला है। अब MP सब रीजन की बात करता हूँ। छत्तीसगढ़ MP की 2166 वैकेंसी MP में 1928 छत्तीसगढ़ टोटल 4094 है, 256905 फॉर्म है, कम्बिनेशन 6 का है, बैक जो कट ऑफ है 62 जाएगी छत्तीसगढ़ी, 50 जाएगी फीमेल, इतनी जाएगी, ठीक है। अब राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड की कट ऑफ यहाँ आप देख सकते हैं, टोटल वैकेंसी 3293, 7 लाख फॉर्म पड़े, सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर है 21 का फॉर्म जो फीमेल का यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं जल्दी बता रहा हूँ, यहाँ हरियाणा सबसे ज़्यादा, फिर पंजाब, झारखंड, जम्मू कश्मीर, सॉरी हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के आप 55 यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है, गर्ल्स के 40। तो हरियाणा का पिछली बार ज़्यादा गया, अब की बार 70 जाने वाला है, अगर स्टेट से हैं तो फिजिकल करें, और 43 पंजाब, जम्मू कश्मीर 37 का, तो टोटल 2771 टोटल यहाँ पर वैकेंसी है, 240,000 फॉर्म पड़े हैं और 9 का कंपटीशन है यहाँ पर दिया है, ठीक है। फीमेल हैं तो इतना फिजिकल ज़रूर करें, ठीक है। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा है, अगर स्टेट से हैं आप तो फिजिकल ज़रूर करें, आपको एनोमिनेशन भी नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जिनके नंबर कम हैं, जिनके 60 नंबर बन रहे हैं, 60-65 नंबर बन रहे हैं, तो वो भी फिजिकल करें, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेशन पता नहीं किसको कितने अंक मिल जाए। ऐसा एक ग्रुप डी में हुआ था, जिनके 70 वाले तो घर पे बैठे हैं, जिनका 60 था उनको नॉमिनेशन में बहुत अच्छे अंक मिले हैं, तो उनको फ़ायदा हुआ है, ठीक है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर टाइप करें जो भी आपकी बात है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते तब के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है, यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।